जय हिंद। आज की वीडियो में आपको क्या पता चलेगा कि जोहरट के लोगों का सेंटर गया आसम राइफल रैली 2022 भर्ती का। भैया जोहरट आपका यूपी बिहार वालों को छोड़कर और सभी स्टेट का गया है। किस स्टेट का है? रेडियो ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का है। तो आपको वहां पर कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, आप लोगों के लिए है। यूपी बिहार वालों को तो भेज दिया वीडियो बना के, वो लोग पहुंच गए हैं। अब आपको जाना है तो आप जान लीजिए जोहरट आप कैसे जाएंगे, वहां का रूट आपको बता दे रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप कहीं किसी भी जगह से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, कहीं से भी आ रहे हैं, आपको आके कहां उतरना है? गुवाहाटी स्टेशन पे। पीछे आपका क्या, जैसे भी वेस्ट बंगाल को क्रॉस करें, कामाख्या के बाद आपका गुवाहाटी स्टेशन आता है। गुवाहाटी स्टेशन पे आपको उतरना है। जैसे गुवाहाटी स्टेशन पर उतरेंगे फिर आपको वहाँ से ट्रेन बदलना पड़ेगा। कहाँ के लिए आपको जाना पड़ेगा? अगर आपकी वही ट्रेन है, कोई ट्रेन है, अगर आपकी मरियानी जंक्शन मरियानी रेलवे स्टेशन तक जा रही है तो आप उसी से चले जाइए, नहीं तो वहाँ पर अपना सर्च कर लीजिएगा लाइव स्टेशन का, कौन सी ट्रेन कब जा रही है, उसके हिसाब से आप क्या करिएगा कि मरियानी रेलवे स्टेशन पर जाना है। मरियानी रेलवे स्टेशन पे आप जाकर उतर जाओगे, बाहर स्टेशन है, स्टेशन के बाहर जब जाओगे तो 10 किलो वहां से बोलोगे कि जोहरट मुझे जाना है। कहाँ जोहरट में कहाँ जाना है? कि असम राइफल रैली सेंटर पर जाना है। तो ऑटो वालों को पता रहता है, बहुत चलाक है सब, पैसा बहुत लेते हैं, यह पता है। उधर पूरा मैं जितने भी जगह गया हूँ ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो आपका वहाँ से क्या, जोहरट से जब आप पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, जाके मरियानी रेलवे स्टेशन उतर के बाहर जाएंगे तो बोलेंगे जोहरट जाना है, जोहरट लेकर के जाएंगे। जोहरट लगभग आपका वहाँ से 10 किलोमीटर के तकरीबन है, 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर के लगभग का आपका पैसा मान लीजिए कि 60-70 रुपये लगभग ले लेंगे, 60-70 रुपये। हाँ, अब देखिए आपका भर्ती के टाइम और कितना लेते हैं और वहाँ पे आपका ग्राउंड कैसा है। देखिए यह जो है ना 2018 में सेंटर बना था, 2019 में बना था, 2021 में नहीं बना था, 2022 में बना है। और यहाँ का ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। सबसे ख़राब ग्राउंड आप याद कर लो कौन है, पहला नंबर दीपू को रखो, दूसरा नंबर हाफ लॉन्ग वाले को रखो। दो ग्राउंड एकदम चौपट, एकदम बेकार ग्राउंड ही नहीं है, रोड है ऊपर नीचे ऐसा है कि आप पिछला वीडियो दीपू वाला वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैं उसमें बताया हूँ कि कैसा आपका कैसा आपका ग्राउंड रोड है, उसमें मैं क्लिप शो किया हूँ। तो इसमें आपका जोहरट में क्या है कि 800 मीटर का आपका है, 800 मीटर का राउंड है, रोड है, रोड भी है, ग्राउंड भी 800 मीटर का है। 800 मीटर को आपको कितना बार लगाना रहेगा, 7 बार। कितने बार लगाना रहता है? 7 बार। उसमें से क्या होता है कि आपका 600 मीटर जब ज़्यादा होता है तो वहीं पे जैसे कि उस पॉइंट पे फिनिश हो जाएगा, आपको और 600 मीटर आना रहता है, मतलब वो काउंट नहीं होता उसमें, आप धीरे धीरे आओ उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको आके थोड़ा दूर पर रहना होता है क्योंकि वहाँ से आपको अंदर की तरफ ले जाया जाता है, पास वाले कैंडिडेट आगे, फेल वालों को से पीछे चले जाओ। तो आपका वहां का रोड भी है, ग्राउंड भी है। अभी तो फिलहाल रोड पे रनिंग हो रहा है, आपकी बार देखिए किस पे रनिंग होगा, जैसा होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और इसके बाद वहां पर रहने खाने पीने के लिए अकोमोडेशन फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे 100-200 रुपए का रूम मिल जाएगा, झोपड़ी मिल जाएगा। अगर वो 5 स्टार 10 स्टार में जाके रहना चाहते हो तो आप उसमें भी रह सकते हैं। और जैसे ही आप एक चक्कर पूरा करते हैं, 2 चक्कर 3 चक्कर 7 चक्कर तो आपको टोकन मिलता है, आपको टोकन रखा रहना होगा। आएंगे टोकन 1, 2, 3 उस्ताद लोग आपको देते रहेंगे, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर आप लोग जाइए, भर्ती उर्ती देख के आइए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप उससे हैं देख रहे हैं वीडियो को तो कमेंट करिएगा कि मेरा इस तारीख इस दिन है, और टेलीग्राम पे आकर के भी जुड़ जाइए, फीडबैक दे दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, भर्ती को निकालिए। जय हिंद।